शिक्षा विभाग द्वारा वार्षिकोत्सव मनाने के आदेश की अनुपालना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्बाड़ा में वार्षिकोत्सव पहल 2022 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बालक बालिकाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मन मोह लिया। राजस्थानी परंपरा और गौरव की गाथाएं राजस्थानी लोकगीतों और नृत्यों के माध्यम से प्रस्तुत की गई। विद्यालय में आमंत्रित अतिथियों एवं भामाशाहों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का विधिवत शुभारम्भ हुआ। अतिथियों का शाब्दिक सत्कार स्थानीय विद्यालय के व्याख्याता कैलाश चंद गवारिया द्वारा किया गया एवं बालक आदर्श नाथ द्वारा प्रस्तुत गायन गीत मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम से स्वागत को सांस्कृतिक रूप प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में एकता सोनी द्वारा बालक बालिकाओं को खूब मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त करने और समाज में सामाजिक कार्यों में रुचि जागृत करने का आह्वान किया गया। सोनी ने बताया कि प्रदेश में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना साहब द्वारा विगत 3 वर्षों से क्षेत्रवासियों को ऐतिहासिक सौगातें दी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मंत्री आंजना की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निम्बाड़ा क्षेत्र को हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण सौगातें दी। वहीं बालिकाओं को शिक्षा के प्रति बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय साइकिल वितरण समारोह आयोजित किया गया। सामाजिक संस्था बज में इस सागर के पदाधिकारियों में अध्यक्ष कमलेश देलावत, सचिव एजाज अहमद एम जानसी एमेकश वसीम इरफानी द्वारा नशा मुक्ति के लिए पोस्टर्स का विमोचन किया गया। अध्यक्ष कमलेश देलावत ने नशा मुक्ति के संबंध में विद्यार्थियों को उद्बोधन दिया। पेंशनर समाज के अध्यक्ष मानमल शर्मा द्वारा विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में अच्छी तैयारी करने के लिए कहा गया, जिससे अच्छे अंक प्राप्त हो, भारत के उज्ज्वल भविष्य निर्माण पर भी विचार व्यक्त किए गए। अजय एंड ग्रुप में वर्तमान परिपेक्ष की ज्वलंत समस्याएं प्लास्टिक के उपयोग पर पाबंदी लगाने का आह्वान किया गया। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्बाहेड़ा नीतू गुप्ता ने वार्षिक उत्सव में आने वाले अतिथियों का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता शमा खान द्वारा किया गया।